सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अवसरों की पहचानने की क्षमता और समस्याओं को समाधान करने की क्षमता, अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर है तो कितना बड़ा भी कोई चीज़ क्यों ना हो आपके जीवन में, उससे आप निजात पा ही लेंगे। आज बकरी पालन में जो बातें उभर के आ रही हैं तो उसके मूल में भी छिपी ये दो चीज़ें ही हैं। आज हम पहुँच गए हैं RCT भोजपुर, जो कि कोइलवर ब्लॉक कैंपस में है, और यहाँ बकरी पालन पे प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। आज सरकार जो है काफ़ी पैसे आपके लिए खर्च कर रही है, और आप औसतन मान के चलें कि एक ट्रेनी के पीछे कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये सरकार खर्च कर रही है, और ये जानकारी के अभाव में आप इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हमें हमारे वैसे भाई जो आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो हमारे वैसे भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। क्या क्या सुविधाएं RCT के माध्यम से मिलती हैं, सरकार कितना आप पर खर्च करती है, आने वाले समय में अगर बकरी पालन करते हैं तो उसमें कितना आपको बैक सपोर्ट, अगर आप RCT से ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या मिलता है, ये तमाम जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। RCT के बारे में मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ कि लगभग 4 वर्ष पहले मैंने इसी संस्था से, जो कि पटना में रूपसपुर के पास है, वहीं से लिया है। RCT के बारे में बता दो दोस्तों कि ट्रेनिंग करने के बाद लगभग 3 वर्षों तक फॉलोअप किया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि किसी तरह का लोन वगैरह चाहिए, अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो उसमें क्या परेशानी आ रही है, तमाम तरह की जानकारी 3 वर्षों तक वहां से फॉलोअप करके लिया जाता है। ये तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोस्तों अभी क्लासरूम में हैं, जहाँ की अभी 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल कोइलवर RCT में चल रहा है, वहीं पे हूँ। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि उमेश सर क्लास ले रहे हैं और बीमार बकरी की पहचान के बारे में सर बता रहे हैं। तो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप बकरी पालन करें तो एक सही जानकारी आप ज़रूर ले लें और उसके बाद बकरी पालन करें। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि सरकार काफ़ी पैसा आपके पीछे खर्च कर रही है, और बस सही जानकारी नहीं होने के कारण आप बकरी पालन करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं। तो अभी यहाँ जो हमारे लगभग 35 शिक्षार्थी आए हैं, जो कि भोजपुर ज़िले से हैं, और अपने भाई हैं, कुछ माताएँ बहनें भी बैठी हुई हैं, तो ऐसे करके 35 का बैच बना है और 10 दिनों का ये ट्रेनिंग यहाँ चल रहा है। तो आइए अब देर न करते हुए एक एक करके बात करते हैं। अभी हमारे सामने एक हैं सर, अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ हुसैन है, गांव सकड्डी है, थाना कोइलवर है, प्रखंड भी कोइलवर है। क्या कैसा यहाँ बकरी पालन का ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? बहुत अच्छी तरह चल रहा है सर। क्या कुछ अभी जो सर यहाँ बताए, क्या कुछ बताए वो बताइए। अभी सर बता रहे थे जानवर को बीमारी से लड़ने के दवा हुआ के बारे में बता रहे थे कि कौन सा बीमारी का कौन सा दवा चलाया जाता है, कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, वही सब बता रहे थे। अभी आप बकरी पालन भी कर रहे हैं? जी जी सर। कितनी बकरियां अभी आपके पास हैं? अभी बकरी मतलब खसी बकरी मिलाकर करीब 10 है। तो आप बकरी पालन जब कर रहे थे तो आप जानकारी तो आपके पास होगी, तो फिर आप ट्रेनिंग क्यों लेने आए? नहीं सर, उतनी जानकारी नहीं थी, तो ऐसे भी बिना जानकारी का कोई काम करना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग शुरू से पालते थे, इस वजह से पालते चले आ रहे हैं। लेकिन जब मालूम चला कि RCT में जब एक क्लास चलता है बकरी पालन का, तो हम समझे कि ज़रूरी है, क्लास करना ज़रूरी है, जानकारी लेना ज़रूरी है, कि हर चीज़ की जानकारी ज़रूरी है सर। यहाँ आपका दाखिला कैसे हुआ? यहाँ सर उमेश सर का वीडियो देख करके उसके बाद में हम आए थे, पिछला बैच चला था उसी में हम उनका देखें कि 25 तारीख से चलने वाला था क्लास, तो हम उनसे मिलने के लिए आए थे कि सर हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं, इसे वीडियो में उनका हम देखते थे, तो सर बोले कि ठीक है अगले बैच में आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी जो यहाँ RCT के द्वारा सुविधाएँ मिल रही हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ सुविधा सर यह है कि कॉपी कलम और बुक भी मिलती है, और नाश्ता बिस्किट और चाय मिलते हैं, और फिर खाना भी मिलता है, ये ड्रेस भी है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ये जो आपको मिलता है इसको मिली कहते हैं, इसका क्या काम है? इसका काम है सर कि आज जो हमने पढ़ा है कल उसको लिखते हैं उसमें। दोस्तों इतना इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग 3 वर्ष पहले मैंने पटना RCT से लिया था, और हमारे भी गुरुजी उमेश सर ही थे। RCT के बारे में इसलिए मैं बताता हूँ कि जब आप यहाँ से ट्रेनिंग करके जाएंगे तो लगभग 2-3 वर्षों तक यहाँ से फॉलोअप किया जाता है, आपसे जानने की कोशिश की जाती है कि किसी तरह का आपको समस्या तो नहीं आ रहा, आर्थिक अगर बात करें तो आर्थिक समस्याओं का भी अगर आप सामना कर रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये संस्था आपकी सहायता करती है। तो इन सब दृष्टिकोण से ये RCT जो है काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ सर, मेरा नाम शैलेंद्र हुआ, मैं
चपकरी से हूँ, चपकरी ब्लॉक से हूँ। बकरी पालन की ट्रेनिंग आप लेने आए हैं? हाँ सर। क्या कुछ इतने दिनों में सीखा है? सर मैंने बहुत कुछ सीखा। इससे पहले हम लोगों को लगता था कि बकरी पालना कुछ है नहीं, बहुत आसान है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कितनी समस्याएं होती है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या मतलब बीच में समस्या होती है, ये सब जानकारी मिली। क्या उमेश सर जो पढ़ा रहे हैं उस 100% अपना यहाँ दे रहे हैं? 100% सर। सर एकदम दिमाग में भर दे रहे हैं कि क्या है कैसे है, मतलब अब पता चल रहा है ना कि बकरी पालना मुश्किल है, लेकिन सर से जो प्रशिक्षण लिया है उसके लिए मुश्किल नहीं है। बीच बीच में चुटकुला वगैरह भी बताते रहते हैं और माहौल एकदम बना के रखते हैं? एकदम सर, बिंदास खुश रहते हैं हम लोग, हंसते खेलते, मतलब पता नहीं चलता है कि क्लास चला, 8 घंटा का क्लास हम लोग बहुत आसानी से कर लेते हैं। देखते देखते समय निकल जाता है और सीख भी लेते हैं और कोई दिमाग में बर्डन भी नहीं रहता है? बिल्कुल बर्डन नहीं रहता है, हंसते खेलते क्लास कर लेते हैं हम लोग। क्या क्या और RCT की तरफ से क्या क्या यहाँ सुविधाएँ आपको मिली? सर RCT ने बहुत सारी सुविधाएँ दी है, जैसे कि हम लोगों के लिए फूडिंग फ्री है, कपड़ा फ्री है, आई कार्ड, पेन, कलम, एक कॉपी, हर चीज़ फ्री दिया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो ऊपर जो यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ है ये भी PNB RCT लिखा हुआ है, कॉपी कलम जो भी जितना कुछ भी मिलता है, खाने का नाश्ते का सारा प्रबंध जो है संस्था के द्वारा किया जाता है और वो भी निःशुल्क रहता है। सर आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम रंजीत है, मैं सितुहारी गाँव का अज्ञाव प्रखंड से रहने वाला हूँ। बकरी पालन अभी करने की योजना है आपको, मतलब आगे आप बकरी पालन करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या कुछ अभी इतने दिनों में आपने सीखा? सर बकरी के बारे में तो मैं पहले जानता था कि मैं बहुत आसान चीज़ है, लेकिन जब यहाँ प्रशिक्षण के लिए आया तो बहुत मैंने पढ़ने को मिल रहा है कि बकरी में तरह तरह के मैंने बीमारियाँ भी होती है, इसमें तरह तरह के बकरियों को विटामिन भी दिया जाता है, प्रोटीन वसा फूल खिलाने के रूप में दिया जाता है, यदि उसको समय समय पर चारा नहीं मिला, विटामिन नहीं मिला, वसा नहीं मिला, प्रोटीन नहीं मिला तो उसको तरह तरह के रोग भी हो सकता है। यहाँ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि आप बकरी पालन आगे कर लें, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अब पहले लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अब लगता है कि हाँ अब कुछ अभी अभी कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सभी से पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपके चैनल पर जो भी दर्शक देख रहे हैं, और मेरा नाम अमित कुमार है और हम गढ़हनी के रहने वाले हैं। हाँ, संस्था के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ के संस्था के बारे में तो यहाँ पर मेरा एक रिलेटिव रहते हैं और उनके थ्रू हमको यहाँ पर मालूम चला कि यहाँ पर जो है बकरी पालन या फिर और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर सरकार के द्वारा दी जाती है, तो हम उनके थ्रू यहाँ पर आए थे कि हमको बकरी पालन का मतलब जानकारी हासिल करना है इसके बारे में। RCT से क्या कुछ सुविधाएं यहाँ आपको मिल रही है वो बताइए। देखिए RCT से तो हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है, जैसे कि एक हंसी के मजाक में कहा जाए तो कि मतलब हम लोग खाली हाथ यहाँ पर आए थे और यहाँ से लेकर के बहुत कुछ जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कि कॉपी किताब कलम खाने का व्यवस्था कपड़ा हर चीज़ उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ में बहुत सारा ज्ञान दिया जा रहा है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। अगर हम किसी अब मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में हम काम करना चाह रहे हैं, हम तो खुद मतलब बकरी पालन के क्षेत्र में काम करना चाह रहे हैं, तो बकरी पालन के क्षेत्र में हमें बहुत सारी जानकारी दे रही है, कैसे बकरी को रखें, कैसे उसके आवास को बनाएँ, किस प्रकार से उसकी सफाई करें, कैसे उसका देखभाल करें और कैसे उसको खाना खिलाएं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रखने और खाना खिलाने में बाद मतलब लाए और दे दिए, लेकिन इतना सा तो उसका खाना नहीं चलेगा, उससे मतलब पेट भर सकता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम चला कि बकरी हमारी कौन कौन सी चीज़ खाएगी, तो कैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन जो भी चीज़ें हैं जो भी शरीर को ज़रूरत होती है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे भी, क्योंकि अगर बकरी जो बाहर चरती है तो उसको खुद मालूम होता है कि वो उसको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो इसके बारे में तो खुद है, लेकिन वो तो हमारे कानों में आकर बोलेगी नहीं कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं से मालूम करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को सीखने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले बकरी पालन करने से पहले हम मतलब इसके बारे में जानकारी हासिल करें, तो इसलिए हम यहाँ पर इस संस्था में आए हुए थे और यहाँ पर बहुत ही प्रेम से बहुत ही मैत्रीपूर्वक जो उमेश सर जो हैं हमारे हैं वो हमें सारी चीज़ों को जानकारी देते हैं और इस तरह से बताते हैं जैसे मतलब कि कभी मतलब ऐसा बोर्डिंग लगता ही नहीं है कि मतलब कि हमारे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा है कि मतलब ऐसे कैसे सीखे याद नहीं होगा ये चीज़, ऐसा कुछ नहीं होता है, हंसी मजाक करते हैं और बहुत ही भाईचारे के साथ इतना मतलब परफेक्ट मतलब बताते हैं कि मतलब एट अ टाइम ऐसा लगता है जैसे सब कुछ दिमाग में उसी समय बस गया। उमेश सर जो बता रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं?
उनसे हम बहुत संतुष्ट है, मतलब इतना संतुष्ट है कि मतलब हम मतलब अब हम पहले भी मतलब बहुत जगह पढ़ने गए थे और हमारा अभी तक जितना भी टीचर से मतलब मुलाकात हुआ है सब लोग अच्छा ही हुआ है, और उमेश सर से जो हुआ तो मतलब उनमें एक बहुत ही खास है क्योंकि उनका बताने का जो शैली है और जो उनका मैत्रीपूर्वक जो अपने छात्रों के साथ व्यवहार है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और कभी भी इस तरह का एहसास नहीं हुआ कि मतलब कि हम किसी टीचर के सामने बैठे हुए, ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा बड़ा भाई, कोई हमारा संबंधी हमको अपना जान करके, अपना भाई समझ करके और बहुत ही प्रेम से सारी बातों की जानकारी देता है। आपको देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज उन सभी को दे दीजिए। जो भी लोग हमको देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बकरी पालन कीजिए या फिर कोई व्यवसाय कीजिए, सबसे पहले तो आप प्रशिक्षण लीजिए, क्योंकि बिना प्रशिक्षण के आप कोई भी कार्य कीजिएगा तो आपको घाटा हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि बकरी पालन के बारे में हम लोग देखते हैं कि अरे फलनवा तो ऐसे मतलब बकरी कर रहा है, उसका कुछ हो ही नहीं रहा, मेरा वो कर रहा है क्योंकि उसके पास आबादी कम है और उसको जो चीज़ चाहिए वो चारे पर रख रहा है, बकरी खुद से चुन कर खुद से घूम करके। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के गाँव देहात में ऐसा बोला जाता है कि बकरी जो होती है 100 घास में 1 घास चुन के खाती है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वो बकरी को उसका मतलब उसका सेंस इतना है कि वो हमको क्या चाहिए और वो उस तरह से उसको उस तरह के घास से चुन कर खाती है, लेकिन हम लोग तो नहीं जानते हैं कि बकरी को किस चीज़ की क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ही मतलब आप प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षण लेकर ही आप बकरी पालन कीजिए ताकि आपका मतलब मुनाफा हो सके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यापार करेगा पालन करेगा तो उसको ऐसा थोड़ी ना है कि पालन करेगा उसके बच्चे की तरह, उसका मेन उद्देश्य हो क्या होगा कि हमको व्यापार करना है, हमको मुनाफा कमाना है। अगर आप बाड़े में बकरी लाएं पोसें और आपकी बकरियां ऐसा ना हो कि मतलब कोई बीमार हो जाए या फिर डेड कर जाए, तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आपको सबसे पहले प्रशिक्षित होना पड़ेगा उसको कैसे बचाया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है बकरी है घनी आबादी में है और तो बीमार तो पड़ेंगी ऐसा तो, क्योंकि और दूसरा बात कि अगर बकरी बीमार पड़ जा रही है तो उसको बचाने के बारे में अगर आपके पास उपाय नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा बाड़ा भी संक्रमित होकर के ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी व्यवसाय कीजिए, जो लाइफ स्टॉक जो बिजनेस हो तो उसको आप सीख कर ही करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। धन्यवाद आपका भी सर। सर अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम विनय कुमार पासवान है, मेरा घर सारा है थाना तरारी जिला भोजपुर का। हम यहाँ RCT के बारे में कैसे पता चला? RCT के बारे में सर हमको पशुपालन से आ रहा, पशुपालन में गए, वहाँ हमको जैसे लोग कुछ लोग बोले कि देख बाबू टेम्पू चला रहे हो, उससे अच्छा है कि तू लोन ले लो 2-3 लाख रुपया बैंक से और जाकर के अपना कुछ पालन करो जैसे बकरी पालन है। तो बकरी पालन के लिए हम पशुपालन विभाग में गए, वहाँ गए तो हमको वही जानकारी सर लोग दिए कि बाबू ऐसे नहीं होता है कि आओ तुम्हारा लोन पास कर दिए तू जा करके बकरी पालन कर लो, जाओ कुछ सीख करके आओ उसके बाद में मैंने सर्टिफिकेट लेकर के आओ पढ़ लिख करके आओ उसके बाद तुमको कुछ किया जाएगा। हम बोले ठीक है सर आखिर कहाँ ट्रेनिंग होता है बताइएगा तब ना। तो वहीं से हमको पता चला आरा पशुपालन विभाग से कि यहाँ कुलवर में ट्रेनिंग चल रहा है RCD में। तो यहाँ आए तो देखे मैंने सारा बोर्ड लगा हुआ था पंजाब नेशनल ये स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना में, आए यहाँ बात की, बात करने के बाद में अपना कागज जो भी है सर्टिफिकेट यहाँ जमा किए, जमा करने के बाद में फिर हम ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ लगा? डॉक्यूमेंट में सर यही जैसे राशन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ और जो हमारा क्वालिफिकेशन जो है वो सब लगा। और यहाँ RCT के द्वारा क्या क्या सुविधाएँ मिल रही हैं वो बताइए। RCT के द्वारा बहुत मैंने अच्छा अच्छा सुविधा मिल रही है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारे सर्टिफिकेट अभी देख रहे हैं फर्स्ट में है कैप, उसके बाद में टी शर्ट है, बाकी ये कलम कॉपी एक किताब भी साथ में मिल रहा है और साथ में भोजन तो देखबे किए, दाल भात सब्जी तरह तरह के प्रतिरोज आइटम अलग अलग मिलता है चेंज करके, और चाय बिस्किट ये सब मिलता है। यहाँ जो सुविधाएं मिल रही हैं उससे संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं सर। ये तो खाने पीने की बात हुई, सर के द्वारा जो समझाया जा रहा है वो कितना संतुष्ट हैं? सर जो समझा रहे हैं जो भी बोल रहे हैं ये पशुपालन विभाग के माने संबंध में बकरी पालन के संबंध में वो सारा बारीकी से समझाते हैं, इस रूप से समझाते हैं जैसे उसमें कॉमेडी भी डाल देते हैं, कभी कभी बात भी करते हैं ऐसा कि माने हंसते हंसते हम लोग गिर जाते हैं, जो कि पढ़ाने का शैली माने बहुत अच्छा है सर का। कोई भी बात एक बात समझाना है उसके बारे में दोबारा तिबारा बात करके हंसा करके बच्चों को समझाया जाए तो अच्छी तरह से समझ लेता है। उमेश सर के बारे में लोग बोलते हैं कि काफ़ी रूड हैं, काफ़ी मतलब एग्रेसिव होकर बात करते हैं। नहीं नहीं, उमेश सर ऐसा व्यक्ति हैं कि जो नहीं समझ पाता है व्यक्ति वही व्यक्ति समझ जाएगा इनसे।
इतना रूप से वो समझाते हैं, उनका शैली बने बहुत अच्छा है, बहुत खुश हैं उमेश सर के बारे में। ये नहीं कि सामने है इसलिए नहीं, देव सर भी हैं, प्रेम सर भी हैं, ये लोग भी समझाते हैं, लेकिन थोड़ा उमेश सर जो हैं समझाते हैं उसमें एक कॉमेडी जरूर डाल देते हैं, जिससे कि आदमी हंसते हंसते सीख जाता है, कोई माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ता है, भार नहीं पड़ता है। जो पढ़ा रहे हैं उसे संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतुष्ट हैं। और लगता है कि हम लोग यहाँ जो ट्रेनिंग किए, अब सारा जैसे हम लोग बकरी पालन में अगर जा भी जाते हैं तो हम लोग कहीं मार नहीं खाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सक्सेस हम लोग हो जाएंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो आइए दोस्तों, इधर जो है हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, अब इनसे भी थोड़ा जान लेते हैं कि क्या कुछ इतने दिनों में सीखा है, उमेश सर क्या कुछ बताए हैं वो जानते हैं। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। अपना नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सोनी देवी, गाँव हरिहरपुर, पोस्ट बेलौटी, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर। क्या यहाँ कुछ इतने दिनों में सीखा है बकरी पालन के बारे में वो बताइए। सर यहाँ तो बहुत कुछ सीखा है, उमेश कुशवाहा सर ने हम लोग को बकरी के बारे में बहुत कुछ सिखाए हैं, उसका रहने के व्यवस्था कैसा बनाना चाहिए, घर किस दिशा में उसका, मतलब खुला हवा वाला रूम बनाना चाहिए, किस दिशा में उसका चौला चाहिए, पश्चिम दिशा में उसका मतलब जो घर बनता है उसका चौला चाहिए, उत्तर दिशा में उसका मतलब खुलदार हवा चाहिए, पूर्व दिशा का जमीन पातला होना चाहिए, और जो बाड़ा बनेगा उस बाड़ा के मेन दरवाज़ा पर गड्ढा खोदकर उसमें दवा डाले जाएगा, ताकि कोई व्यक्ति आवे बाड़ा में बकरी देखने के लिए तो उसी में पैर अपना डुबा कर तब भीतरी प्रवेश करे, ताकि उसे कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई मतलब डिजीज वगैरह ना, मतलब संक्रामक कोई रोग वगैरह ना फैले इसके लिए। जी सर, वही के लिए। रोग बीमारी के बारे में क्या बताएं? रोग बीमारी के बारे में तो सर बहुत कुछ बताएं, टीकाकरण वगैरह के बारे में बताएं, सब कुछ बताएं हैं सर, और उसका खिलाना पिलाना, ये चीज़ खिलाना है, ये चीज़ ठंडा में खिलाना है, ये चीज़ गर्मी में खिलाना है, ये सारे बहुत सारे चीज़ सर ने हम लोग को समझाया। बहुत अच्छा लगा सर यहाँ हम लोग के ट्रेनिंग में, हम लोग का 10 दिन का ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का खाना पीना सब भी मतलब व्यवस्था है। क्या क्या यहाँ कुछ और सुविधा मिल रहा है वो भी बताइए। यहाँ सब मिलता है सर, हम लोग सुबह जब आते हैं तो हम लोग का चाय मिलता है, बिस्कुट मिलता है, उसका बाद हम लोग का खाना मिलता है, यहाँ मिला है किताब कॉपी ड्रेस मतलब काफ़ी कलम सब मिला है अपने को पढ़ने लिखने के लिए, बहुत अच्छा सुविधा है सर। यहाँ की जो व्यवस्था है उससे पूरा संतुष्ट हैं? जी सर, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दोस्तों अभी बगल में एक और हैं, इनसे भी बात करते हैं। मैं, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, आपका भी स्वागत है। अपना नाम और परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम हेमा देवी हुआ, घर कुलवर हुआ, ब्लॉक भी कुलवर हुआ और थाना भी कुलवरे हुआ। तो मैं यहाँ आए हैं बकरी पालन सीखने के लिए। हम तो चाहते थे कि बकरी पालन एकदम छोटा मोटा मतलब है कि अपना घर में कर लेंगे, लेकिन यहाँ आने से बहुत कुछ सीखे हम तो। यहाँ के बारे में पता कैसे चला आरसीटी के बारे में? आरसीटी के बारे में हम यहाँ पर आते रहते थे अपना, तो अपना यहाँ जैसे लेबल लगा हुआ था ना उसमें पढ़ कर हम देखें तो बोले कि ये चीज़ का, ये चीज़ का ट्रेन यहाँ चलता है, तो अपना मुकेश सर से पूछे आए, बोले कि ये चीज़ मतलब आपको अथी लगेगा, जैसे आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा, सब ले कर हम आए थे तो 6 महीना पहले करवाए थे। उसके बाद हम लोग का 1 तारीख का बुलाया गया तो हम लोग उपस्थित हुए यहाँ पर। उसके बारे में अपना ये चलता है अपना ट्रेनिंग 10 दिन का। यहाँ जो कुछ सीखने को मिल रहा है, जो उमेश सर बता रहे हैं और जो यहाँ की व्यवस्था आपको मिली है, जो सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, उससे पूरा तरह से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है सर। और उमेश कुमार कुशवाहा सर ने सब कुछ हम लोग को बताए हैं कि बकरी कैसे रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे लाना चाहिए या किस तरह का भी लाना चाहिए, ये सब के बारे में बहुत जानकारियाँ हुई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। एक एक करके लोगों ने अपना फीडबैक दिया, क्या कुछ इतने दिनों में सीखा वो सब आप लोगों को बताए, और जो इनके चेहरे से कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सुविधा आरसीटी के द्वारा दिया जा रहा है और क्या कुछ इतने दिनों में इन्होंने बकरी पालन के बारे में सीखा है, सब कुछ इन्होंने बताया है। मैं ये चाह रहा था कि एक एक करके फीडबैक आप तक पहुँचे, ताकि सही और सटीक जानकारी आपको आप तक पहुँचे, और आगे जब कहीं भी आप जिस जिले से आप देख रहे हैं तो वहाँ आरसीटी में आप जाके देर न करते हुए वहाँ जाकर संपर्क करें और वहाँ से आरसीटी से
आरसीटी में जाकर और वहाँ बकरी पालन की ट्रेनिंग ले। बकरी पालन ही नहीं, लगभग 29 से 30 तरह के अलग अलग चीज़ों में यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं और किसी चीज़ में आप प्रशिक्षित होना चाहते हैं तो वहाँ जाकर निसंदेह आप संपर्क करें। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।